हेलो गाइस, आई एम वैशाली कीकान फ्रॉम वैशाली जी लर्निंग और आप लोग देख रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट योर एंड टर्म एग्ज़ाम्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी ये डाउट में हैं कि लॉकडाउन लगेगा लॉकडाउन नहीं लगेगा, हमारे एग्ज़ाम्स ऑनलाइन मोड में होंगे या ऑफलाइन मोड में। सबसे बड़ा सवाल है इस समय व्हाई। हम अपनी प्रिपरेशन उसी तरीके से करेंगे। हम सब जानते हैं कि एक नया म्यूटेंट आ चुका है COVID-19 वायरस का, विच इज़ ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन के बारे में बहुत सारी न्यूज़ आप सब लोगों ने ऑलरेडी देखी होगी। आपको पता होगा कि इसका ट्रांसमिशन रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत जल्दी फैलता है ये। ये कितना सीवियर है इसके बारे में अभी तक हमें नहीं पता है, बट हमें ये पता लग चुका है कि इंडिया में ऑलमोस्ट 12 केसेस आ चुके हैं। मे बी जब तक ये वीडियो रिलीज होगी उससे ज़्यादा केसेस भी आ चुके होंगे। सो अभी केसेस इंडिया में आने स्टार्ट हो गए हैं और कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, जिसका मतलब कि हमारे सराउंडिंग में ये वायरस आ चुका है। आप काफ़ी सारे स्टेट में देख रहे हैं कि ये वायरस ऑलरेडी है। अब स्टूडेंट्स का बहुत ही जेन्युइन सा, बहुत ही सिंपल सा सवाल है कि अब हमारे एग्ज़ाम्स कैसे होंगे, क्या क्लासेस फिर से ऑनलाइन हो जाएंगी एंड एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन हो जाएंगे। क्योंकि क्लासेस चलो हम ऑफलाइन अटेंड करना चाहते हैं, हम क्लासेस में जाना चाहते हैं, क्यों अपने दोस्तों से मिलने, बट एग्ज़ाम्स हम लोग ऑनलाइन देना चाहते हैं। एग्ज़ाम्स ऑफलाइन बहुत ख़तरनाक होते हैं, हम सबको फील होता है ये चीज़। हो सकता है कि हमारे एग्ज़ाम्स ऑनलाइन मोड में हो, बट स्टिल आपको क्या करना है, आपको प्रिपेयर करना है उस तरीके से जिस तरीके से आप कंसीडर करेंगे कि एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में है। ऑलरेडी लास्ट ईयर हमने अपनी स्टडीज़ में बहुत अफेक्ट करा है। व्हाई वी अफेक्टेड आर स्टडीज़ ड्यू टू लॉकडाउन। हमें पता था ऑनलाइन एग्ज़ाम है, ये तो हो ही जाएगा, दूसरे स्टूडेंट्स हमें आंसर बता देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है, बहुत सारे तरीके हम जानते हैं जिससे हम चीटिंग कर कर और ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में अगर इवन इफ़ द टीचर इज़ seeing you, if there is a vigilation also, then also we know कि उसको कैसे compete कर कर हमें marks लेकर आने हैं with the help of our friends and our books. But क्या हो रहा है at the end, हम लोग खुद का loss कर रहे हैं, our studies, our knowledge is suffering, our learning is suffering. इसको सफ़र नहीं कराना है। अगर अभी एग्ज़ाम्स ऑनलाइन मोड में होते भी हैं, काफ़ी चांसेस लग रहे हैं कि ओमिक्रॉन ऑलरेडी सराउंडिंग में है और इसके केसेस अभी बढ़ेंगे, बिकॉज वी नो 50% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन ही फुली वैक्सीनेटेड हुई है अभी। बट 50% इट्स अ बिग नंबर, 50% बहुत बड़ा नंबर है इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से। सिर्फ एडल्ट्स की बात हो रही है यहाँ पर, एडल्ट्स में 50% एडल्ट्स फुली वैक्सीनेटेड हैं, बट 50% नहीं भी हैं। उन 50% को अभी हमें बचाना होगा। सो उस बचाने के लिए गवर्नमेंट लॉकडाउन इम्पोज कर सकती है। वी ऑल आर नाउ फेमिलियर विद द ऑनलाइन स्टडीज, वी ऑल आर फेमिलियर विद ऑनलाइन वर्क, तो हम ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की तरफ भी जा सकते हैं। बट मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, बहुत डीप रिक्वेस्ट है कि आप ऑफलाइन पेपर की तरह ही पेपर दीजिए, अपने आप को सफ़र मत कराइए। एट द एंड यू आर द वन हु इज़ गोइंग टू सफ़र। क्यों? क्योंकि आप ही नहीं पढ़ रहे। अगर आपको पता ही नहीं आपके कोर सब्जेक्ट में पढ़ाया क्या हुआ है, लास्ट में बस एग्ज़ाम दे दिया। लेट सपोज़ एक छोटे बच्चे का हम केस लेते हैं, छोटा बच्चा है सेकेंड क्लास में, अब सेकेंड क्लास में उसे 1+2 लिखना है। अब 1+2 का आंसर उसके मदर ने बता दिया कि 3 लिखना है, उसने लिख कर भी दिखा दिया ये है 3। बच्चे ने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा था, उसे बस दिखा कि ये लिखना है और उसने लिख दिया। उसने क्या कुछ सीखा, कुछ लर्न करा? नेक्स्ट क्लास में जब जाएगा तो क्या होएगा? सिमिलरली जब आप नेक्स्ट सेमेस्टर में मूव करेंगे तब क्या होगा? इफ़ यू आर अ स्कूल स्टूडेंट देन ऑल्सो आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, देन आपके जो बेसिक्स हैं वो हिल चुके होंगे। हम सब क्यों पढ़ रहे हैं? अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपनी लर्निंग के लिए। क्यों ही हमें एग्ज़ाम में एक इन्विजिलेटर चाहिए होता है? हमें नहीं चाहिए। आप अपने एग्ज़ाम को प्रॉपरली दीजिए। थिंक इट इज़ ऑफलाइन एग्ज़ाम, थिंक इन्विजिलेटर खड़ा हुआ है, लेट्स सी वॉट विल हैपन आउटसाइड। अपने माइंड को फोकस रखेंगे, माइंड सबसे ज़्यादा बड़ा पैरामीटर है। हमारा माइंड अगर ये बोलेगा कि इन्विजिलेटर खड़ा है तो हम उसी कंडीशन की तरह से पेपर देंगे, उसी कंडीशन की तरह पढ़ेंगे। जस्ट
नाउ मैन्यूपुलेट योर माइंड. जब अपने माइंड को मैन्यूपुलेट कर देंगे कि ऑफलाइन एग्जाम है, तब हम जानते हैं कि हम 15 दिन में भी पूरे सेमेस्टर का पढ़ सकते हैं. 15 दिन में जो आपको नॉलेज आएगी, वो उस प्रेशर के अंदर जो नॉलेज आएगी, वो ऑनलाइन एग्जाम में शायद आपको आए ही ना. सो यू आर मिसिंग आउट ऑन योर ओन नॉलेज. दैट नाउ इट्स अ क्वेश्चन फॉर यू. आप अपनी खुद से सवाल करिए कि क्या मैं खुद के साथ सही कर रहा हूँ या रही हूँ, या मैं खुद के साथ गलत कर रहा हूँ या रही हूँ. सो अगर आपको लगता है कि आप अपने साथ गलत कर रहे हैं, अभी से ही बी सीरियस, स्टडी फॉर द एग्ज़ाम्स, कंसीडरिंग ऑफलाइन एग्ज़ाम्स ही होंगे. बाकी चीज़ गवर्नमेंट के ऊपर है. बाकी चीज़ जो भी है जो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेट्स नॉट थिंक अबाउट इट, राइट. सो आई होप यू आर गोइंग टू मीट मी सून इन द लेक्चर्स जहाँ पर हम टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं. So I hope you are going to meet me soon. I hope you are going to give me the feedback for the study material as well. And I hope you are going to download the mobile app Vaishali's e-learning as well. Thank you so much.